नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम विद्रोह यानी आंदोलनों के बारे में जानेंगे कि भाई बड़े आंदोलनों से संबंधित तो पेपरों में क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार एग्जामिनर छोटे से छोटे विद्रोह के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लें। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा मानना है कि बड़े से बड़े विद्रोह के बारे में तो आपको मालूम हो चुका, अब छोटे से छोटे विद्रोह के बारे में भी हम जान लेते हैं कि भाई छोटे से विद्रोह कहाँ हुए, क्यों हुए, कौन से प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, पोनप्पा वायलार यानी त्रावणकोर संघर्ष कहां पर हुआ था? यह 1946 में हुआ था। कौन सा? पोनप्पा वायलार। कहां पर है ये त्रावणकोर है। ठीक है, कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कारण क्या था कि सरकार वे किसानों, भाई 46 का जो समय है वो अंतिम समय था आजादी का, क्योंकि 47 में देश आजाद हो चुका था। तो 46 में क्या है, सरकार ब्रिटिश भारत के अधीन ही सरकार थी जब तक आजादी नहीं मिली थी। तो इन्होंने सरकार और किसानों के मध्य संघर्ष होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये भारत में क्या थे, त्रावणकोर का विलय नहीं चाहते थे, जिस कारण ये संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष क्यों हुआ था? त्रावणकोर के विलय के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक होता है वर्ली संघर्ष। वर्ली संघर्ष कब होता है? 1945 से 1947 ईस्वी में। कौन लोग करते हैं इस संघर्ष को? इस संघर्ष को करते हैं वर्ली आदिवासी करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, किन लोगों के विरुद्ध करते हैं, अब ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये करते हैं जमींदारों के और महाजनों के, जो महाजन और जमींदार थे, जो कि बेगारी, इन पर बेगारी कराते थे, इसी के विरुद्ध में, बेगारी के विरुद्ध में ही ये संघर्ष होता है। और इस संघर्ष को करने वाला यानी नेतृत्व करने वाला, इस संघर्ष की अगुवाई करने वाला जो नेता था उसका नाम गोदावरी परुलेकर ने इस विद्रोह को किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसको किसान जो सभा थी, किसान सभा का समर्थन प्राप्त था। वर्ली संघर्ष से यही महत्वपूर्ण घटना है। बात करते हैं नहर टैक्स के लिए भी एक देखो संघर्ष हुआ था, यानी विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? कि नहर टैक्स देने के विरोध में सरकार, जमींदार जो वहां पर थे, वो इनसे नहर यानी कि जो नहर होती है सिंचाई का, जिससे खेतों की सिंचाई होती है, उस पर टैक्स लेते थे। तो इसी के विरोध में, नहर टैक्स के विरोध में वर्धमान यानी कि वर्धमान भी मिलता है कहीं कहीं पर, ये वर्धमान है जो कि बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में किसान करते हैं इस टैक्स को लेकर कि हम इस टैक्स को नहीं देंगे, इसी के लिए ये नहर टैक्स के लिए विद्रोह होता है। विद्रोह में कौन है प्रमुख नेता, कौन थे इसके नेतृत्व करने वाले? ये बंकिम मुखर्जी के नेतृत्व में होने वाला आंदोलन था। चौकीदारी टैक्स के लिए भी देखो एक छोटा सा विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? तो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध यानी इसके विरोध में भी बंगाल और बिहार में ये आंदोलन किया गया था। ये था चौकीदारी से संबंधित छोटा सा आंदोलन। बात करते हैं हाट तोला। क्या है हाट तोला आंदोलन? भैया ये कहां पर हुआ था हाट तोला आंदोलन? तो ये उत्तरी बंगाल में, कहां? उत्तरी बंगाल में हुआ था, भूस्वामी और किसानों के बीच में। क्यों हुआ था भैया? हाट तोला का मतलब है, हाट का मतलब जो है साप्ताहिक बाजार के बदले, यानी साप्ताहिक जो बाजार होता था उसके लिए जो भूस्वामी थे, भूमि के स्वामी,
वो किसानों से कर लेते थे, यानी उनसे पैसे लेते थे, उसके बदले में कर लेते थे। इसी के लिए भूस्वामी और किसानों के बीच में कर के विरुद्ध विद्रोह होता है। ये था हाट तोला विद्रोह। पंजाब की हम बात करें तो उस दौरान जब देश में हर जगह आंदोलन और विद्रोह छिड़े हुए तो पंजाब भी अछूता नहीं बचा। यहाँ पर भी विद्रोह होता है, ठीक है, किसान आंदोलन होते हैं। तो किसान आंदोलन में कौन था? अकाली जो कार्यकर्ता थे पंजाब में, अकाली कार्यकर्ताओं ने 1937 ईस्वी में, कब? 1937 ईस्वी में पंजाब किसान समिति की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्यों? क्योंकि यहां पर भी किसान संघर्ष आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो पंजाब किसान समिति की इन्होंने स्थापना की। इसमें जो नेता थे कौन कौन थे? तो इसमें थे बाबा सोहन सिंह, बीपीएल बेदी, बाबा ज्वाला सिंह और बाबा रूर सिंह और मास्टर सिंह। ये कुछ नेता थे जिन्होंने पंजाब किसान समिति की स्थापना की थी, जो कि 1937 में पंजाब में बनी थी। ये वो विद्रोह हैं जो किसानों के पक्ष में होकर किसानों के द्वारा किए गए थे, ठीक है। जैसे आदिवासी विद्रोह होते हैं, किसान विद्रोह होते हैं, मजदूर विद्रोह होते हैं, ठीक है, जनजातीय विद्रोह हुए थे, ठीक है, और 1857 का देशव्यापी विद्रोह हुआ था। तो ये बहुत सारे विद्रोह हैं और हो सकता है किसी भी विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिल जाए। तो मेरा मानना यह है कि आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विद्रोह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये थे पंजाब के। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखो पहला भारतीय किसान स्कूल जो बना था, ठीक है ना, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो पेपरों में देखने को मिल चुका है। पहला भारतीय स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो निदबोल, क्या है? निदुबोल 1938 ईस्वी में की गई थी। यानी प्रथम भारतीय किसान स्कूल 1938 में निदिबोल में स्थापित किया गया था, ठीक है। बात करते हैं प्रमुख किसान संगठनों की मेरे प्यारे साथियों, कि भैया कौन कौन से संगठन प्रमुख भारत में हुए, यानी किसानों के द्वारा स्थापित हुए। तो प्रमुख किसान संगठन की बात करें तो देखो कृषक लीग का, जो कृषक लीग ढाका, ठीक है, कृषक लीग ढाका का जो गठन हुआ वो 1870 ईस्वी में हुआ। और कृषक लीग पवना का 1773 ईस्वी में, ठीक है, अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में। इसके बाद में हम ये प्रमुख किसान संगठनों की हम बातें कर रहे हैं। तो ढाका में कृषक लीग की स्थापना 1870 में और पवना में 1873 में हुई। रैयत एसोसिएशन गुट्टूर, कहां पर? रैयत एसोसिएशन गुट्टूर में 1923 ईस्वी में होती है, ठीक है। कृषक संगम मालाबार 1934 ईस्वी में होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको आपको क्रम में समझाने की कोशिश करता हूं। तो कृषक लीग ढाका 1870 और पवना 1873 ईस्वी में। तो संयुक्त किसान प्रांत सभा 1918 में होती है और अवध किसान सभा 1920 ईस्वी में होती है। इसके बाद रैयत एसोसिएशन गिट्टूर में 1923 ईस्वी में होती है और संयुक्त प्रांत किसान संघ 1924 ईस्वी में किसानों के द्वारा इसकी स्थापना होती है। आंध्र रैयत एसोसिएशन 1928 ईस्वी में होती है और बिहार प्रादेशिक किसान सभा 1929 ईस्वी में होती है। इसके बाद बात करें कृषि संगम मालाबार 1934 ईस्वी में और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में इसका गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके पहले महासचिव एनजी रंगा और लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसका संबोधन सबसे पहले करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू।